हेलो एवान, वेलकम बैक टू 360 प्रॉपर्टी व्यू। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 1100 स्क्वायर फीट का 22x50 का ओवरऑल साइज होने वाला है, 4 BHK होने वाला है, प्लस इन कवर्ड कैंपस। बहुत ही बढ़िया डिजाइन है, बहुत ही बढ़िया इंटीरियर आपको थ्रू आउट द होम देखने को मिलेगा विद प्रीमियम क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। इस घर की खास बात क्या है पता है? आपको हर बेडरूम में बालकनी मिलने वाली है, और वो कैसे मिलेगी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सोच रहे हैं घर बनाने का या आप सोच रहे हैं घर खरीदने का, तो ये बंगलो आपके लिए हो सकता है। बढ़िया डिजाइन के साथ एक बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन ओवरऑल होम में आपको देखने को मिलेगा। साथ में मैंने डायमेंशन भी ऐड किए इन दिस वीडियो ताकि आपको बेटर क्लैरिटी हो जाए। आई हैव एडेड प्राइस, लोकेशन एंड द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इन द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड प्रॉपर्टी का वीडियो पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको डिसीजन लेने में थोड़ा ईजी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द फ्रंट व्यू एलिवेशन। ईस्ट फेसिंग आपको ये बंगलो मिलने वाला है। फ्रंट आपका 22 का होने वाला है, डेप्थ आपको 50 की मिलने वाली है। एंड दिस इज द नाइट व्यू। अगर हम स्विच करते हैं इनटू द डे मोड तो आपका ये ओवरऑल एलिवेशन कैसा लगेगा, आपको एक आउटलुक दिख रहा है फ्रॉम द फ्रंट साइड जो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। दिन में भी इतना आई कैचिंग है, रात में भी उतना आई कैचिंग है। तो आई एडेड बोथ द सिनेरियो ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी मिल सके। अगर हम पूरे एलिवेशन की बात करें, आपको पूरा फ्रंट साइड 22 का फ्रंट मिलेगा, जिसमें आपको एलिवेशन टाइल्स, बॉम्ब लाइट का वर्क एंड पीवीसी का डिफरेंट वर्क यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो काफ़ी आई कैचिंग लगता है, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है फ्रॉम द फ्रंट साइड। एंड पूरे एलिवेशन को अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न ट्रेंड बनाया गया है। फ्रंट आपको पेवर ब्लॉक्स मिल जाते हैं up to 5 feet, जिससे क्या हो जाता है आपकी आउटसाइड कवर हो जाती है। 20 फीट लॉन्ग आपको रोड मिल जाती है। इट इज़ एन कवर्ड कैंपस, तो आपको रोड की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर हम फ्रंट गेट की बात करें, आपको 10 फीट लॉन्ग और 5 फीट हाइटेड मिल जाता है। पूरा MS आयरन का गेट आपको यहाँ पे मिलने वाला है विथ ब्यूटीफुल CNC कट वर्क, जो काफ़ी बढ़िया बनाता है ओवरऑल फ्रंट गेट को। 3 लैंप्स मिल जाएंगे इन द फ्रंट साइड, जो काफ़ी बढ़िया लगते हैं, जो एड ऑन ब्यूटी देते हैं एज अ ओवरऑल एलिवेशन। एंड जैसे हम अपने घर में आ जाते हैं तो आपको मिल जाता है एज अ ओवरऑल पार्किंग सेक्शन। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 different sections, 4-wheeler parking एंड द 2-wheeler parking। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अगर हम 2-wheeler parking की बात करें, आपको 5x11 की स्पेशियस 2-wheeler parking यहाँ पे मिल जाती है। इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स यहीं पे कवर्ड है। बिग स्लाइडर विंडो यहाँ पे एड ऑन की हुई है फॉर द वेंटिलेशन एंड सनलाइट पर्पस इन द लिविंग एरिया। एंड द राइट हैंड साइड आपकी 4-wheeler parking आने वाली है। 4-wheeler parking 16x10 की होने वाली है। और द वॉल साइड आपको स्टोन का डिफरेंट वर्क यहाँ पे देखने को मिलेगा विथ 2-way lights के साथ, जो काफ़ी बढ़िया लगता है एज अ ओवरऑल पार्किंग सेक्शन को। फ्रंट साइड में हम जाते हैं तो आपको मिल जाता है मेन एंट्री। इट इज एडेड इज अ 2 different entries, 1 इज फॉर योर मॉस्किटो वन एंड अदर 1 इज फॉर योर मेन गेट। पूरा विनियर में गेट है, डिफरेंट जाली लगी हुई है, आपको MS आयरन में यहाँ पे वर्क देखने को मिलेगा। अगर हम मेन गेट की बात करें, पूरा विनियर में आपको ये गेट मिलने वाला है, 4x8 का ओवरऑल साइज होने वाला है। इन बिटवीन आपको डिफरेंट MDF का वर्क यहाँ पे देखने को मिलता है, जो काफ़ी बढ़िया लगता है एज अ ओवरऑल आउटलुक फ्रॉम द फ्रंट साइड। और काफ़ी बढ़िया थिकनेस के साथ ये आपको ओवरऑल गेट यहाँ पे मिलने वाला है विथ ब्रॉड चौखट के साथ। जैसे अपने घर में आ जाते हैं तो आपको मिल जाता है फर्स्ट लग्जरी लिविंग एरिया। हाइटेड 13 feet की होने वाली है। 16x11 का ओवरऑल साइज होने वाला है। ओवर द टॉप साइड आपको प्रीमियम क्वालिटी की फॉल सेलिंग, बॉम्ब लाइट का वर्क एंड सीलिंग का डिफरेंट वर्क यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी बढ़िया हो जाता है। फ्रंट साइड में यहाँ पे एक वॉलपेपर एड ऑन किया हुआ है विच एनहांस द ओवरऑल लिविंग स्पेस। एंड फॉर द वेंटिलेशन एंड सनलाइट पर्पस आपको ग्रिल के साथ 3 slider windows यहाँ पे एड ऑन मिलती है ऑन PVC फ्रेम। जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस आपको मिल जाता है आपका TV पैनल यूनिट, काफ़ी ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ, वुडन और सनमाइका में विद ब्यूटीफुल CNC कट वर्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बढ़िया डिजाइन है, बढ़िया प्लानिंग है, बिकॉज अगर हम फ्रंट लुक की बात करें, आपको वुडन और वाइट सनमाइका में पूरा वर्क यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो काफ़ी बढ़िया लगता है एज अ ओवरऑल लिविंग एरिया को। और यहाँ पे मल्टीपल स्टोरेज आपको एड ऑन मिलने वाले हैं, एंकर के स्विचेस मिलने वाले हैं थ्रू आउट द होम, जिससे क्या होगा ना, आपको प्रोडक्ट वाइज क्वालिटी भी पता लगती रहेगी। जैसे हम थोड़ा आगे जाते हैं तो आपको मिल जाता है 6-seater डाइनिंग स्पेस। पूरा डबल हाइट सीलिंग का आपको ये ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन मिलने वाला है। इन बिटवीन आपको एक सैंडल यहाँ पे एड ऑन किया हुआ है फॉर एक्स्ट्रा ब्यूटी। एंड काफ़ी बढ़िया स्पेस के साथ 14.5x12 का पूरा डाइनिंग स्पेस यहाँ पे आपको इंक्लूडेड मिलने वाला है।
बॉम लाइट का वर्क एंड काफी ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ आपको बैट्रीफाइड टाइल्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, जो काफी आई कैचिंग भी है। फ्रंट साइड में आपको पूरा वॉलपेपर का लुक एड ऑन किया हुआ है, विच लुक प्रीमियम। डाइनिंग से कनेक्टेड वेस्ट फेसिंग आपको टेंपल स्पेस मिल जाता है। पूरा वुडन और सनमाइका पे इम्प्लीमेंटेशन है। फ्रंट साइड पे आपको एक्रेलिक शीट पे सीएनसी कट का डिफरेंट वर्क यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड ऑन द राइट हैंड साइड भी आपको ब्यूटीफुल सीएनसी कट का वर्क यहाँ पे देखने को मिलता है एंड काफी सफिशियंट एंड काफी ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ आपको पूरा टेंपल स्पेस यहाँ पे मिलने वाला है। जस्ट इन फ्रंट ऑफ द डाइनिंग सेक्शन आपको मिल जाता है स्टेयर केसेस एंड द हैंड वॉश सेक्शन, जिसमें हम बाद में आएंगे। फर्स्ट हम देख लेते हैं अपना किचन स्पेस। जैसे हम किचन स्पेस की बात करें, इट इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट सेक्शन, वन इज लिक्विड वन इज ड्राई। 12x9 का साइज होने वाला है। मल्टीपल स्टोरेज की बात करें, ऑन द बॉटम साइड से लेके ऑन द टॉप साइड तक आपको मल्टीपल स्टोरेज यहाँ पे इंक्लूडेड मिलेंगे। प्लेटफॉर्म की बात करें, आपको क्वार्ट्स में प्लेटफॉर्म मिलने वाला है इन अ वाइट फॉर्म। इन बिटवीन जो टाइल्स का वर्क है एंड द प्रोफाइल लाइट का वर्क है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है एज अ ओवरऑल किचन। आपको मल्टीपल स्टोरेज यहाँ पे मिल जाएंगे, सनमाइका प्लस हाइड्रोलिक किचन मिलने वाला है एंड साथ में आपको यहाँ पे चिमनी एड ऑन की हुई है, जिसका डग आउटसाइड निकाला गया है इनटू द वॉश एरिया साइड। काफी ब्यूटीफुल साइज के साथ आपको यहाँ पे टैंडम बॉक्स में पूरा आपकी ट्रॉली मिलने वाली है एंड मल्टीपल ट्रॉली आपको बॉटम में भी मिलने वाली है। एज अ स्टोरेज की बात करें, बहुत बढ़िया स्टोरेज आपको ओवरऑल किचन में मिलने वाला है एंड ऑन द अनदर साइड आपका ड्राई सेक्शन आने वाला है। यहाँ पर आपका पूरा फ्रिज सेक्शन आ जाएगा, जिसके लिए पूरा कटआउट अलग से निकाला गया है एंड मल्टीपल स्टोरेज आपको ऑन द बॉटम साइड एंड द फ्रंट साइड देखने को मिलेगा। जैगवार की फिटिंग होने वाली है, साइलेंट सिंक आपको मिलने वाला है हैंडवेयर का, तो आप क्वालिटी देख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट वाइज कितनी बढ़िया क्वालिटी के साथ आपको एक ओवरऑल लुक एज अ कंस्ट्रक्शन वाइज देखने को मिलता है। किचन से जस्ट कनेक्टेड आपको मिल जाता है वॉश एरिया। ओवरऑल साइज 9x6 का होने वाला है और इसका पूरा डग आपको G+2 का मिलने वाला है एंड प्लस आपको यहाँ पर भी एक सेटअप मिल जाता है एज अ प्लेटफॉर्म वाइज फॉर योर यूटेंसिल्स पर्पस एंड अदर थिंग्स। एंड आपका जो डग है चिमनी का, आपको आउटर साइड यहीं से मिलने वाला है एंड देर आर टू डिफरेंट विंडोज आपको डायरेक्टली कनेक्टेड मिलते हैं इन द किचन सेक्शन। तो काफ़ी बढ़िया इंप्लीमेंटेशन के साथ एक प्रॉपर स्पेस यूटिलाइजेशन भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है एंड प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ। डाइनिंग स्पेस के जस्ट सामने आपको मिल जाता है सिंक एंड अंडर द स्टेयर्स आपको मिल जाता है प्रॉपर स्पेस यूटिलाइजेशन फॉर योर इन्वर्टर एंड अदर पर्पस, जो काफ़ी बढ़िया हो जाता है। पूरा वुडन से कवर्ड है एंड सिंक की बात करें, आपको डायरेक्टली कनेक्टेड डाइनिंग स्पेस से इन फ्रंट आपको सिंक मिल जाता है, जिससे क्या हो जाता है ना, हैंड सेक्शन आपको प्रॉपर सेपरेट मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको प्योर जैगवार का सिंक मिलता है। एक मिरर सेक्शन यहाँ पे इंक्लूडेड है विथ मल्टीपल लाइट इफेक्ट्स, जिससे एक बढ़िया एक आउटलुक क्रिएट होता है, काफ़ी एनहांस करता है एज अ ओवरऑल स्पेस को भी। जस्ट ऑन द ग्राउंड फ्लोर आपको मिल जाता है फर्स्ट मास्टर बेडरूम। ओवरऑल साइज की बात करें, 13x12 का होने वाला है, काफ़ी स्पेशियस है। प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स ओवर द टॉप साइड, प्रीमियम क्वालिटी की फॉल सीलिंग, बॉम लाइट का वर्क विथ डिफरेंट टेक्सचर आपको यहाँ पे इंक्लूडेड मिलने वाला है। फ्रंट साइड पे एक एनहांस ब्यूटी के लिए यहाँ एक वॉलपेपर एड ऑन किया हुआ है, साथ में वेंटिलेशन प्रॉपर बना रहे, एयर थोड़ी पास ऑन होती रहे। तो वॉश एरिया से कनेक्टेड आपको यहाँ पर बिग स्लाइडर विंडो मिल जाती है ना PVC एंड आप कह लो इसको अटैच वॉशरूम, आप कह लो इसको कॉमन वॉशरूम, 2-in-1 काम है। 6x8 का स्पेशियस आपको वॉशरूम यहाँ पे इंक्लूडेड मिलने वाला है। फ्रंट साइड पे आपको स्टोन का वर्क देखने को मिल जाता है, जिससे क्या होता है ना, ओवरऑल वॉशरूम काफी ब्यूटीफुल लगता है। सिंक, शावर सेक्शन एंड द कमोड सेक्शन तीनों इंक्लूडेड है। अगर हम चौखट की बात करें, वाइट स्टोन में आपको यहाँ पे चौखट मिलने वाली है। सो दिस इज द ओवरऑल लुक ऑन द ग्राउंड फ्लोर, जो काफी बढ़िया था, काफी खूबसूरत था। अगर हम स्टेयर सेक्शन की बात करें, 3 feet ब्रॉड आपको ओवरऑल स्टेयर सेक्शन मिलने वाला है। अगर हम फर्स्ट रेलिंग की बात करें, आपको सागवान में रेलिंग मिल जाती है टफन ग्लास के साथ, जो काफ़ी ट्रेंडिंग लुक में आजकल मिलता है एंड साथ में ओवरऑल वॉल साइड आपको प्रोफाइल लाइट का वर्क देखने को मिल जाता है, जिससे क्या हो जाता है ना कि रात में आपको फुल लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रोफाइल लाइट से भी अपना काम चला सकते हैं एंड ओवरऑल स्टेयर सेक्शन को एक ब्यूटीफुल लुक देने के लिए आपको हैंडमेड डिज़ाइन ओवर द वॉल साइड देखने को मिल जाएगा। इन बिटवीन आपको 2 lanterns यहाँ पे इंक्लूडेड किए हुए हैं, जिससे क्या होता है ना, पूरा एक एनहांस्ड लुक क्रिएट होता है एज अ ओवरऑल स्टेयर सेक्शन को भी। एंड जैसे अपने फर्स्ट फ्लोर पर हम पहुंच जाते हैं, तो आपको एक डिफरेंट लुक देखने को मिलता है ओवरऑल डबल हाइट सीलिंग का, साथ में इन बिटवीन एक सैंडल यहाँ पे एड ऑन किया हुआ है। ओवर द टॉप साइड आपको प्रोफाइल लाइट एंड सीलिंग का डिफरेंट वर्क यहाँ पे भी देखने को मिलता है। 2 bedrooms मिल जाते हैं ऑन द सेम फ्लोर। फ्रंट हम जाते हैं अपने सेकेंड मास्टर बेडरूम के लिए।
तो दिस इज अवर सेकेंड मास्टर बेडरूम ऑन द फर्स्ट फ्लोर। काफी बढ़िया साइज के साथ 14x14 का ओवरऑल साइज मिलने वाला है। ओवर द टॉप साइड आपको प्रीमियम क्वालिटी की फॉल सेलिंग एंड बॉम लाइट का वर्क यहाँ पे भी इंक्लूडेड देखने को मिलता है। इन बिटवीन फैन इंक्लूडेड है एंड काफी स्पेशियस है। एंड फॉर द एक्स्ट्रा सनलाइट एंड वेंटिलेशन के लिए साथ में वी कैन से टफन ग्लास का एक पार्टीशन आपको देखने को मिलता है एज अ ट्रांसपेरेंट वन, जिससे क्या होता है ना कि ओवरऑल सीलिंग की जो लाइट्स है आपको फ्रंट साइड से भी देखने को मिलती है एंड बैक साइड से भी देखने को मिलती है। एंड इस बेडरूम से डायरेक्टली कनेक्टेड आपको ओपन बालकनी मिलने वाली है, वो 6x18 की साइज होने वाली है। 3 स्लाइडर विंडो यहाँ पे इंक्लूडेड है विथ हैवी ग्रिल एज अ सपोर्ट एज अ सिक्योरिटी वाइज, जिससे क्या होता है ना एवरीथिंग इज कवर्ड। ओवरऑल स्पेस की बात करें काफी सफिशियंट है, आराम से 6 से 7 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, इतना स्पेस है। आपको बालकनी की जो रेलिंग है आपको एसएस में देखने को मिल जाती है टफन ग्लास के साथ। एंड ओवरऑल जो स्पेस है काफी बढ़िया है, काफी ब्रॉड है। एंड यहाँ पे आपको मल्टीपल हैंडमेड डिजाइन भी देखने को मिलेंगे। एंड डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर सेकंड बेडरूम आपको मिल जाता है फर्स्ट आपको ड्रेसिंग रूम। ड्रेसिंग रूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर योर कबर्ड सेक्शन एंड अदर पर्पस। 9x6 का निकाला गया है एज अ ओवरऑल ड्रेसिंग सेक्शन। एंड जस्ट कनेक्टेड टू दिस आपको मिल जाता है आपका वॉशरूम। वॉशरूम यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ एक बढ़िया इंटीरियर यहाँ पे इंक्लूडेड मिलता है आपको। स्टोन का वर्क, कमोड सेक्शन, सावर सेक्शन एंड सिंक तीनों इंक्लूडेड है। स्टोन का वर्क काफी ब्यूटीफुल लुक देता है ओवरऑल वॉशरूम को एंड काफी सफिशियंट साइज है। मिरर सेक्शन यहाँ पे भी इंक्लूडेड है विथ मल्टीपल लाइट इफेक्ट के साथ। और चौखट आपको यहाँ पर भी वाइट स्टोन में देखने को मिलेगी। सो दिस इज द सेकेंड मास्टर बेडरूम। चलिए चलते हैं अवर थर्ड मास्टर बेडरूम ऑन द बैक साइड। देर आर 4 BHK, तो 4 बेडरूम तो होंगे। तो दिस इज अवर थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम का जो साइज है 14x14 का होने वाला है। ओवर द टॉप साइड आपको प्रीमियम क्वालिटी की फॉल सेलिंग एंड बॉम लाइट का वर्क यहाँ पे भी देखने को मिलता है। बैट्रीफाइड टाइल्स देखने को मिल जाती है एंड आपको ट्रायंगल शेप में पूरा फॉल सेलिंग का डिजाइन देखने को मिलता है जो काफी ट्रेंडिंग लुक में आता है। साथ में आपको यहाँ पे भी ड्रेसिंग रूम मिलने वाला है विच इज टू गुड एंड 6x6 का मिलने वाला है। तो साइज कम है बट प्रॉपर आपको यहाँ पे भी कबर्ड सेक्शन इंक्लूडेड मिलने वाला है एंड कनेक्टेड आपको वॉशरूम भी मिलने वाला है। 3 डिफरेंट सेक्शन होने वाले हैं, सिंक, कमोड एंड वॉशरूम एंड सावर सेक्शन। एंड इसका भी डग आपको फ्रंट साइड से निकाला गया है विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर वॉश एरिया। अगर हम बात करते हैं कि हमेशा बालकनी फ्रंट साइड पे क्यों होती है, तो यहाँ पर आपको एक डिफरेंट इंटीरियर देखने को मिलेगा एज अ प्रॉपर बालकनी वाइज। आपको बालकनी यहाँ पे कनेक्टेड मिलती है इन योर थर्ड बेडरूम, जिससे क्या होता है आप योगा रूम बना सकते हैं और आप चाहें तो अदर पर्पस के लिए पूरा बालकनी सेक्शन यूज कर सकते हैं। वॉल पे पूरा आपको आर्टिफिशियल ग्रास का वर्क यहाँ पे देखने को मिलेगा जो काफी ब्यूटीफुल लगता है। एंड दिस इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट विंडो से कनेक्टेड, तो यहाँ पर भी आपको टफन ग्लास का ट्रांसपेरेंट लुक मिल जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपकी जो सीलिंग है दोनों साइड कवर्ड मिलेगी एज अ रोशनी वाइज और सनलाइट भी प्रॉपर आएगी और वेंटिलेशन भी आपको प्रॉपर मिलेगा। सो दिस इज द फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे आपको 2 मास्टर बेडरूम इंक्लूडेड मिले। अगर हम थोड़ा स्टेप अप करके अपने सेकेंड फ्लोर पे जाते हैं तो फर्स्ट आपको मिल जाता है कॉमन सिटिंग एरिया ऑन द सेकेंड फ्लोर, जो आप अपने डिस्कशन के लिए, पार्टी के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको लैंप्स मिल जाएंगे ऑन द फ्रंट साइड। वेंटिलेशन के लिए विंडो कनेक्टेड है विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर स्टेयर सेक्शन। जैसे हम थोड़ा फ्रंट साइड पे जाते हैं तो आपको मिल जाता है 4 मास्टर बेडरूम। 14x14 का साइज होने वाला है। डिफरेंट फॉल सीलिंग एंड बॉम लाइट का वर्क आपको यहाँ पे भी मिलने वाला है। डिफरेंट कट वर्क है जो काफी ट्रेंडी लुक में आता है। आपको अनदर बालकनी सेक्शन यहाँ पे भी इंक्लूडेड मिलेगा। 8x12 का बालकनी साइज होने वाला है, जिससे क्या होता है ना आराम से आपका सिटिंग स्पेस, अदर स्पेस सब इंक्लूडेड मिलेगा। काफी बढ़िया डिजाइन के साथ एक बढ़िया इंटीरियर देखा आपने, प्रॉपर स्पेस यूटिलाइजेशन देखा आपने एंड टू मैनी थिंग्स आपने देखी। हर जगह आपको ड्रेसिंग रूम इंक्लूडेड मिलता है, वॉशरूम इंक्लूडेड मिलता है, प्रीमियम क्वालिटी की फॉल सीलिंग, बॉम लाइट का वर्क देखने को मिलता है, प्रीमियम क्वालिटी फिटिंग्स आपको यहाँ पे इंक्लूडेड मिलेगी, लाइक जैगवार की फिटिंग्स है, फिनोलक्स की आपको ओवरऑल फिटिंग्स मिलने वाली है। और अगर हम स्विचेस की बात करें आपको एंकर का मिलने वाला है, तो कितनी सारी चीज़ें आपको वन में मिलने वाली है। और सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज अवेलेबल ऑन बुकिंग, इसका जो प्राइस है वो 1.2 इट इज अवेलेबल ऑन बुकिंग। अगर आप चाहें तो ऐसी प्रॉपर्टी बनवा सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी नियर महालक्ष्मी नगर जैन मंदिर के पास। और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर बात करें तो 2100 से लेके 2200 रुपए का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यहाँ पर इंक्लूडेड आपको मिलने वाला है। अगर आप ऐसा घर बनाने का सोच रहे हैं तो प्लीज कॉल अस ऑन द गिवन नंबर। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जल्दी। टेक केयर, बाय बाय।